दोस्तों, ये मेरे पास में होंडा SP साइन आई हुई है, BS6 मॉडल है। और इस बाइक में जो है, ये जो फ्रंट का व्हील है, यहाँ पे ऐसे जो है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है इस बाइक में। तो ये बाइक जो है गिर गई थी पहले, तो इसमें जो काम हुआ है, तो जो कि इसका जो पैडल है, ये रेयर का जो ब्रेक पैडल है, वो नया फिटिंग किया गया है। पर इस बाइक में एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो व्हील है, फ्रंट का ये व्हील, ये जो है बहुत ही ज़्यादा ये जाम चल रहा है। दिखाएंगे आपको, ये बहुत ही ज़्यादा जाम चल रहा है। तो हमने इसका जो है साइड पैनल या साइड जो है ओपन किया, तो यहाँ पे जो है इसका सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर, जो कि ये जो है हमारा फ्रंट का ब्रेक का काम करता है, और यहाँ पे जो है ये रेयर का ब्रेक जो है काम करता है। तो इस तरीके से जो है इसमें सिलेंडर होता है, और इसका जो ऑयल का डिब्बा है वो यहाँ पे है। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है इस जगह पे आप देखेंगे, जब मैं इसे प्रेस करूँगा ब्रेक को, तो ये जो है ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो ये सिलेंडर जाम होने की वजह से जो है इसका जो व्हील है, फ्रंट का जो व्हील है, वो जाम चल रहा है, जिससे ये जो है बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बाइक जो है जाम हो जाती है। तो ऐसे हमें जो है क्लियर करना है इस बाइक में जो है ये जो समस्या है, इसे जो है सॉर्ट आउट करनी है। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे इसका पूरा पैडल का जो गुच्छा है पूरा मैं ओपन किया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तो ये जो है, ये हमारा जो सिलेंडर है, ये यहाँ से जो है ये आउट है ये। तो इसमें हुआ क्या है, जो ये पैडल है, ब्रेक का जो पैरदानी पैडल है, ये पैडल जो है ये किसी और बाइक का है। तो हमें इसी पैडल को जुगाड़ करना है। तो उसके लिए जो है हमें ये जो सिलेंडर है, इसे हमें इस तरीके से जो है इसे अलाइनमेंट जो है इसका मिलाना पड़ेगा ये। तो उसके लिए जो है अलाइनमेंट मिलाने के लिए जो है, ये जो खूंटी दिख रहा है, ये से काट करके जो है यहाँ पे ऐसे जो हम वेल्डिंग करेंगे। और तो यहाँ पर जो है ये हिस्सा जो है कुछ इस तरीके से काट कर जो है, और इसे छोटा करके जो है मैं इस तरीके से इसे वेल्डिंग करा दिया हूँ। तो ये पैडल फिलहाल हमें नहीं मिलता, इसलिए जो है ये हमने जो है इसमें जुगाड़ किया है। और देखते हैं इसे जो पूरा क्लीन करेंगे, और उसके बाद जो है इसे बाइक में जो हम फिटिंग करेंगे, फिर इसे हम चेक करते हैं कि बाइक का जो ब्रेक है वो प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट होती है नहीं। इसी के साथ जो है इस बाइक का जो काम है वो पूरा कंप्लीट होता है। और हमने जो है यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग कर दी है, और यहाँ पे जो है ये वेल्डिंग हुआ है, इसे हम कलर कर देंगे ताकि जो है ये अच्छा भी दिखने लगे। और इसका ये पैडल है, ये सारा कुछ जो है काम करने लगा है। दूसरा चीज़, इसमें मैं जो है 3 डॉट का ऑयल डाला हूँ फिलहाल, और यहाँ से जो है हम एयर निकाल दिए हैं। और दूसरा चीज़, इसका जो फ्रंट का एयर यहाँ से जो है, यहाँ से हमने निकाल दी है, और ये प्रॉपर जो है काम करने लगा है। तो हम आपको जो है चेकआउट करा दें, पहले इसका जो रेयर का व्हील है वो हम चेकआउट कराएंगे। तो ये जो है ये चल रहा है ये इस तरीके से, और मैं लगाऊंगा इसमें ब्रेक, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, देख पा रहे हैं प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम चेक करेंगे फ्रंट का व्हील,
तो फ्रंट के व्हील को जो है हम पहले घुमाकर चेक करेंगे। तो ये जो प्रॉपर जो है फ्री है, और हम इसका जो है ब्रेक लगाएंगे तो देखेंगे ये, और मैं फिर से आपको चेकआउट कराऊँ। दबाएँ ब्रेक तो फ्रंट का ब्रेक भी काम कर रहा है। तो दोस्त आप जो आप चाहते हैं कि किसी भी काम को जो है तो आप जो इजी जो है कर सकते हैं। इसका जो काम था ये सर्विस सेंटर में हुआ था, और ये पैडल हमें जो सर्विस सेंटर पर भी नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है हमने जो है इस तरीके से इसमें जो देसी जुगाड़ करके जो है मैंने इसके कंप्लीट जो है इसका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर दी। और ये पैडल जो है किसी और मॉडल का जो है लगा हुआ है, क्योंकि जो ये पैडल है ये इसका जो कहना चाहिए सारा कुछ जो है आउट है ये। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।